इस दौरान आज वो जहाजपुर भी गए। सबसे इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट है पॉलिटिकल, वो बताना चाहता हूँ मेवाड़ का, कि अशोक गहलोत जहाजपुर गए जहाँ उनके साथ धीरज गुजर थे। धीरज गुजर बैठे उनके साथ जमीन पर। धीरज गुजर ऑल इंडिया कांग्रेस के सेक्रेटरी रहे। धीरज गुजर इस वक्त प्रियंका गांधी के साथ अटैच्ड हैं AICC में, और इनको प्रियंका गांधी के सबसे नज़दीकी लोगों में माना जाता है, और किसी ज़माने में ये प्रो सचिन पायलट भी माने जाते थे। तो धीरज गुजर का इस मुद्रा में अशोक गहलोत के साथ बैठना और उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अशोक गहलोत का जाकर जाजपुर में महंगाई राहत शिविरों का अवलोकन करना, लोगों से बात करना, लोगों के साथ जुड़ना और धीरज गुजर का मौजूद होना, और इसमें एक डेवलपमेंट ये हुआ कि अशोक गहलोत के बिल्कुल राइट हैंड माने जाने वाले कैबिनेट मंत्री रामलाल जाट और धीरज गुजर आज एक दूसरे को मिठाई खिलाते रहे चौपर में। दोनों के बीच भीलवाड़ा की राजनीति में खास तौर पर मैं कहना चाहता हूँ 36 का आंकड़ा रहा, और इस फोटो को जारी करते हुए AICC प्रदेश कांग्रेस कमेटी क्षमा करें ने फोटो जारी किया ऑफिशियली, और ये कहा कि मतभेद थे, मनभेद नहीं। कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया इस बात को कि मतभेद थे और आज दूर हो गए, और ऑफिशियली अनाउंसमेंट है ये कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस का कि धीरज गुजर और रामलाल जाट एक दूसरे के करीबी हो गए, साथ हो गए, सहयोगी हो गए, भीलवाड़ा की राजनीति में अब दोनों मिलकर चलेंगे, ये है। और इसके साथ ही इस अनाउंसमेंट का मतलब है कि जो पायलट की दिशा चल रही है, जो पायलट का दौरा चल रहा है, दौर चल रहा है, धीरज गुजर प्रियंका गांधी के सबसे नज़दीकी व्यक्तियों में से एक, अशोक गहलोत के सबसे करीबी सहयोगी के साथ मिठाई खिला रहे हैं और अशोक गहलोत के साथ बैठ के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में महंगाई राहत शिविरों का अवलोकन करवा रहे हैं, लोगों की समस्याओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का महत्व आज समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर जब सचिन पायलट अपनी राह पकड़ेंगे, और ये कहा जाता है कि प्रियंका गांधी के मन में सचिन पायलट को लेकर, उनके पक्ष को लेकर, राजनीतिक पक्ष को लेकर कोई विचार है, तो ये धीरज गुजर की इस तरफ एंट्री एक नया संदेश दे रही है राजस्थान की राजनीति में। आने वाले वक्त में इसका रिपरकेशन सामने आएगा।